एमआईएम को वोट दे रहे हैं, ठीक है। क्या नाम है आपका? चलिए सर्वेज आलम कुड़ेली। कुड़ेली जी, क्या हम लोग परिजन कुड़ेली के हैं भाई। ठीक, हम लोग एमआईएम को वोट दे रहे हैं। बाकी कोई पार्टी की जीत या नहीं जीते उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको एमआईएम को वोट देना है। ये बिल्कुल भाई सही कह रहे हैं। दो ही चीज सोचने की जरूरत है किसान वासियों को, खासतौर से चाहे तो विकास के नाम पे वोट दीजिए और तो कौम के नाम पे, चाहे तो काम या कौम के नाम पे वोट कीजिए। पूरा बीजेपी निकल भाई, अगर कोई नहीं रहा एक प्रत्याशी नहीं मिल रहा है मुसलमान बीजेपी के पास, या जेडीयू का प्रत्याशी मुस्लिम दे दिया है ताकि मुस्लिम वोट में वो छितर बितर हो ना, कोई जीते मास्टर मुजाहिद जीत के अकेला क्या कर लेंगे जब पार्टी बीजेपी की होगी, नहीं हरा पाएंगे मोदी को। कम से कम अपने संसदीय क्षेत्र को तो बचाएंगे ना। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अखलाक। क्या लगता है किसका चर्चा है, किसको वोट करेंगे, किसको दिल्ली भेज रहे हैं इस बार? देखिए अभी तो डिसाइड नहीं किए हैं किसको वोट देना है, बाकी ख्याल में है कि पतंग को ही देना है। पतंग को ही देना है, इसलिए करके कांग्रेस 70 साल से नाइंसाफी किया है। अच्छा, नाइंसाफी इसलिए करके किया है, हर मजहब गरीब है हिंदुस्तान में, हर मजहब गरीब है। बाकी जोर के देखेगा, समझ के देखेगा तो इंसाफ उनका, अमीरों का अमीर का इंसाफ, गरीब का इंसाफ मिलता रहा हमेशा। क्या अभी जो सांसद है वो काम किया, वो क्षेत्र में आए? सांसद का जोर है, सांसद क्या काम करेगा, वो तो क्या काम करेगा। तो अगर अख्तर इमरान साहब को जीता है पदन साहब को, तो वो आएंगे? वो आएंगे। देखिए अख्तर इमरान साहब को सब बोल रहा है कि ये छोटा पार्टी है, ये है वो है, भाई बच्चा तो बड़ा होता है छोटा ही से ना, हर कोई छोटा होता है। नन्नत समीर आलम। क्या लगता है इस बार किसको जिता रहे, किसको दिल्ली भेज रहे हैं आप लोग? इस बार तो हम लोग का मांग बनाया अख्तर इमरान के बारे में। अच्छा, इन्हीं को काम करेंगे, वो करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे। अभी जो सांसद है डॉक्टर जावेद साहब कांग्रेस से, कांग्रेस से जो जावेद साहब है वो तो अपने जगह पे हैं लेकिन वो क्षेत्र में नहीं घूमते हैं आके, और हम लोग को दिखे भी नहीं है अपने सालों से यहाँ पे, इसलिए कोई मतलब नहीं है उनसे। और मास्टर मुजाहिद साहब जो है, मास्टर मुजाहिद को वोट नहीं होगा क्योंकि वो बीजेपी से है। बीजेपी से? बीजेपी में उसकी पार्टी है, और यहाँ का माहौल हम लोग बना के रखें कि पतंग साहब को ही वोट देंगे। तो पतंग साहब पिछले बार कैसे हार गया था लोकसभा में? लोकसभा में कहाँ पिछले बार हारा था ना, तीसरे नंबर पर आए थे वो, तो नहीं हुआ था इस बार में, रहेगा उसका, कोशिश करेंगे हम लोग इस बार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश चंद पंडित हुआ। क्या लगता है इस बार कौन आएगा? तीन चेहरा है, मास्टर मुजाहिद साहब, तीन चेहरा है तो तीनों में से तो कोई आएंगे, क्या आएंगे तो क्या जदयू का ही हम लोग को तो लग रहा है। अच्छा, उन्हीं पर जदयू का विकास करेंगे, आगे काम करेंगे? करेंगे, मास्टर बजाय तो 4G है, 5G है नेता। अच्छा, हाँ वो 5G नेता है उनका, बस मोदी को देखते हुए अभी देश का जो विकास हो रहा है उसको देखते हुए यही बात है, हम लोग तो उसी को देंगे और उनका विकास होना चाहिए। हम लोग अटूट गया बस, कुछ हम लोग रोड वोड है उसको देखते हुए करना चाहिए। आज ये जो कुरेली से आपका बीबीगंज का जो रोड है, आज जो हमारा जावेद साहब जो है आज रोड अब तक नहीं बना पाए हम लोग। हम लोग को बरसात का टाइम है इतना ना दिक्कत होती है जाने में, वो देखिए आप आए होंगे देखे होंगे, तो हम लोग कैसे देंगे उनको वोट, यही सब है। और कुछ बनिया यानी काम नहीं किया जावेद साहब पिछले सबका, अभी देखिए आप जाकर देख सकते हैं, कुरेली से आइए आपको 1 घंटा लगेगा कुरेली से यहाँ से जाते हुए आपको। हम लोग जब से देखते हैं हम लोग आने में दिक्कत होता है, पेशेंट को जाने में दिक्कत होता है, हम लोग अपना जाते हैं मोटरसाइकिल से दवाई लाते हैं, किस तरह हम लोग काम करते हैं, गरीब आदमी हम लोग। जावेद साहब कह रहे हैं कि ज़्यादा रोड और पुल मेरे कार्यकाल में बनाए, आप धरातल में है देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ना आपको शूट करके दिया देख सकते हैं धरातल जहाँ बात है, यहाँ से कुरेली तक तो रोड ही नहीं है। अब फिर जावेद साहब अकेले देख के क्या करेंगे, हम लोग उसको इस बार देखेंगे। अब चेंज भी जरूरी है ना, चेंज जरूरी है, मुजाहिद साहब भी तो अच्छे हैं और उनका सेंटर में देखते हुए उनको देख दिया जा रहा है। वो कह रहे हैं मुजाहिद साहब पार्टी को लेकर मार खा जाएगी, नहीं पार्टी तो क्या, मुजाहिद साहब का अपना छवि है, मुजाहिद साहब पार्टी देख के नहीं दे रहे हैं, मुजाहिद साहब का जो अपना छवि उनको देख के वोट देंगे हम। हम अपना वक्त करते हैं, मुजाहिद साहब जो काम हम कर रहे हैं आपका अच्छा लगता है उनको, और उनको कोई भी जाते हैं हम लोग कभी भी कुछ देखते हैं सुनते हैं किसी भी
कुछ भी होता है तो वो काम को देखता है तुरंत। एक पार्टी और है AIMIM अख्तरीबाल साहब, वो भी इमाम साहब तो है, तो उनका तो सर तो उनका तो कोई वही है नहीं है, तो क्या कीजिएगा, उनका पार्टी का जितना है तो दूसरे को चले जाएगा तो क्या फ़ायदा, क्या दूसरे पार्टी में चले तो क्या बोले, नहीं अब चार जा गए हैं ना, देखिए ना जीते जो फिर दूसरे पार्टी में गए ना, देखे ना, तो इसी है मेरा अपना वक्तव्य है कि अपना जी ठीक है जदयू जदयू जी। क्या नाम है? अज़ीज़ुर्रहमान। यार फजलुर रहमान है, क्या लगता है इस बात किसको जिता रहे हैं, किसको दिल्ली भेज रहे हैं? हम हमारे मतलब से मतलब क्या बोलेंगे, इसको देंगे उसको देंगे, इससे कोई मतलब नहीं है, सरकार कोई बन इंसान चाहिए बस, जो सरकार जो सेंटर में बनेगा उसी को बता दूंगा, सेंटर में कोई भी सेंटर में जीतेगा उसी को बोल दे, सेंटर में जो जीतेगा उसी हाँ, कोई कैंडिडेट को नहीं देखना, कैंडिडेट नहीं देख नहीं देखना कैंडिडेट कोई भी काम नहीं करने वाला, कौन काम करता है, हम लोग भीगते हैं मरते हैं सड़ते हैं, हम कौन देखने आता है। मतलब पिछले 5 साल से जो डॉक्टर जावेद साहब है कांग्रेस की, जावेद साहब थे काम मतलब जो भी काम किया किया, मगर अब हम चाहते हैं क्या मतलब जो फेटर में सरकार बनी जिसकी उसी का मत करा। तो आपको क्या लगता है किसका सेंचुरी सरकार? हम तो अभी सोचते हैं कि अभी थोड़ा ज़्यादातर सोचते हैं कि कांग्रेस को जाए, कांग्रेस को जाए तो अच्छा है, अच्छा पार्टी अच्छा सोच समझ है, अच्छा जिसको चला महंगाई करती, महंगाई कितनी बढ़ती, इतना महंगे में कौन जी सकता है, अमीर गरीब सब परेशान है, क्या गरीब क्या अमीर सब परेशान है, परेशान हाल में है सब, महंगाई लेकर महंगाई कम करेगा होगा, कोई भी सरकार सोच अच्छी रहेगा जिसका महंगाई कम भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है कि भाई वो यहाँ का काम करेगा। क्या लगता है इस बार जनता चर्चा है क्षेत्र में कौन आपके क्षेत्र का विकास करेगा? विकास तो हर आदमी करता है, कौन भी करता है, अच्छा अभी मौजूदा सांसद जो वो किया है डॉक्टर जावेद साहब कांग्रेस के, वो तो हो गया, आप फिर दूसरा भी क्यों आ जाएगा? अच्छा यानी बदलाव के मूड में? हाँ बदलाव, अगर एक कोई वोट देना तो होगा, हमको देना होगा। तो फिर किसको दे रहे हैं? इधर वो जिसको जे भी होगा रेडियो को उसको क्यों ऐसा ठीक है, वो फैक्ट पार्टी ठीक है। कैंडिडेट कैसा है? कैंडिडेट भी ठीक है, कैंडिडेट कौन है जेडीयू को? वो एक मास्टर में जाए, मास्टर में जाए, लोग कह रहे हैं वो फिर बीजेपी में चला गई, किसी में जाए आदमी ठीक है, इधर आइए हमारा जनता यानी कैंडिडेट को देखना है, काम करेगा जीतेगा आएंगे बस के क्षेत्र में थोड़ा काम करेगा, चलेगा क्या पढ़ा लिखा है सब है, काम करने का लायक भी है, सब कुछ है। और एक पार्टी और है AIMIM अब्दुल ईमान का, वो भी ठीक है सब, इसको ज़्यादा चाहते हैं। अच्छा वो भी ठीक है, इसको ज़्यादा चाहते